गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, और हमने लास्ट क्लास में बोनस शेयर के बारे में डिस्कस किया और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। बोनस शेयर कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देती है, उसकी हमें दो एंट्रीज करनी होती है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट एंट्री, और बोनस को हमें राइट ऑफ करना होता है। बोनस कहाँ से राइट ऑफ हो सकता है? सबसे पहले CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर वो कैश में रियलाइज़ हो रखा है तो, कैपिटल रिजर्व अगर वो कैश में रियलाइज़ हो रखा है तो, और उसके बाद में हम फ्री रिजर्व में से बोनस को राइट ऑफ कर सकते हैं। हमने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए लास्ट क्लास में, आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन May 21 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31st March 2001। ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 30 लाख, 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 3 लाख, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 33 लाख, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹8 पेड अप, 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हमारे पास है, CRR हमारे पास है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में हमारे पास है, P&L अकाउंट दे रखा है। ऑन 1st April 2001 द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑन शेयर एट द ₹2 ईच, ₹10 का शेयर है, ₹8 पेड अप है, ₹2 की हमने फाइनल कॉल ड्यू की। द एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड बाई 20th April 2001। देर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 पर 1 शेयर बोनस। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है उसी को वापस चेंज करके हमें इसी का वापस एक्सट्रैक्ट बनाना है। एज ऑन 30th April 2001 आफ्टर बोनस इश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर कॉल को ड्यू करेंगे, फिर कॉल को रिसीव करेंगे। आप लोग लिखिए जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले 1st April 2001, 1st April 2001 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बींग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2,70,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 per share, amount 5,40,000। फिर हमें फाइनल कॉल 20th April, डेट 20th April 2001, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइव लैख 40,000। बिंक 5,00,000 रिसीव। उसके बाद 20 अप्रैल 2001 बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने बोनस शेयर इश्यू किए 1 शेयर फॉर एवरी 4, 1:4 का रेशियो। कितने इक्विटी शेयर है? 2,70,000। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4 into 1, 67,500 इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 6,75,000। 6,75,000 बींग बोनस शेयर इश्यूड टू शेयर होल्डर ऑन 2,70,000 शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। फिर हम बोनस टू शेयर होल्डर को राइट ऑफ करेंगे 20 अप्रैल 2001। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? हमारे पास CRR है 120, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फिर जनरल रिजर्व यूज करेंगे और फिर बचा हुआ P&L में से यूज करेंगे। तो सबसे पहले CRR अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। टोटल बोनस टू शेयर होल्डर 675 हमें राइट ऑफ करना है। CRR में हमारे पास 1,20,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 75,000 है, जनरल रिजर्व 3,60,000 का यूज करेंगे और बचा हुआ P&L में से यूज करेंगे। 675 माइनस 120 माइनस 75 माइनस 3,60,000, 1,20,000 हम P&L को यूज करेंगे। बींग बोनस टू शेयर होल्डर चार्ज टू रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, ये तो हमारी एंट्रीज हो गई। अब बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, देखो 2,70,000 इक्विटी शेयर्स है प्लस 67,500 शेयर्स और हो जाएंगे, तो ये हमारे शेयर्स बढ़कर 337,500, जबकि ऑथराइज्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर 3,00,000 दे रखे, तो इसको हम बढ़ाकर 337,500 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30,00,000 से बढ़कर 37,50,000। प्रिफरेंस शेयर सेम रहेगा। अच्छा, इश्यूड कॉल हमने ड्यू करके रिसीव कर ली और उसके बाद हमने बोनस शेयर दिए, तो ये हो जाएंगे 37,50,000। प्रिफरेंस शेयर उतना का उतना रहेगा, जनरल रिजर्व 0 हो जाएगा, CRR 0, सिक्योरिटी प्रीमियम 0 और 6,00,000 से ये कम होकर 4,80,000 रुपीज़ हो जाएंगे, और ये हमारी जो बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपको वापस बनाना है, सेम तरीके से बनाना है, बस अमाउंट को जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम 8 जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोनस शेयर का पॉइंट है, बोनस शेयर की एंट्रीज है और उसके साथ में राइट शेयर का भी पॉइंट है। ये राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर का क्या पॉइंट होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 50,000 12% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, ₹8 पेड अप, मतलब 2 रुपये की कॉल बाकी है। 50,000 प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। जनरल रिजर्व CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L। रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं हो सकता, जनरल रिजर्व का हो सकता है, CRR का हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैश का हो सकता है और P&L का यूज हो सकता है बोनस शेयर को इश्यू करने में। 1 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2 ईच। एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड बाई 25 अप्रैल 2001। कॉल ड्यू और कॉल रिसीव की एंट्री हो जाएगी इन दोनों पॉइंट से। देयर आफ्टर द कंपनी ऑन 1 मई 2001 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 4 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। तो 4 पर 1 हमें बोनस देना है, तो हमें बोनस की एंट्री करनी है, 2 एंट्री बोनस की करनी है, तो ये हमारे बोनस की एंट्रीज हो जाएगी। ठीक है। 1 जून 2001 द कंपनी इश्यूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट एट इश्यू प्राइस ऑफ ₹12 पर शेयर। कंपनी ने राइट शेयर इशू किए, 2 शेयर 5 शेयर के बदले में, मतलब 2:5 के रेशियो में हमने राइट शेयर इशू किए। इशू प्राइस ₹12 पर शेयर। हमारा इक्विटी शेयर ₹10 की फेस वैल्यू का और हमने राइट शेयर ₹12 पर इशू किए, मतलब ₹2 प्रीमियम पर इशू किए। ऑल द राइट शेयर वर एक्सेप्टेड बाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाई 20 जून 2001। शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस शेयर एंड राइट शेयर। ये जो राइट शेयर है इसकी क्या एंट्री होती है, राइट शेयर क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे। पहले एक काम करते हैं, पहली 4 एंट्री तो कर ही लेते हैं। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, बोनस शेयर इश्यू, बोनस शेयर को चार्ज करना, ये 4 एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद में राइट शेयर की केवल 1 एंट्री करनी है। वो क्या एंट्री है, बहुत ईजी, मैं आपको बता दूंगा, मगर एक बार हम पहली 4 एंट्री तो कर ही लेते हैं। आप लोग लिखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। 1 अप्रैल 2001 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बींग 4 लाख शेयर, फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, बींग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2 लाख ऑन 4 लाख शेयर, ऑन 4 लाख शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर, इट इज 4 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट 8 लाख। अब हम इसको रिसीव करें 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2001 बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे ये अमाउंट सारा एक साथ तो नहीं आया होगा, हमने ड्यू की तो 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हमें
मतलब फाइनल सारा अमाउंट हमें 25 अप्रैल तक मिल गया। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ मिला, तो हमने तो यहाँ पर एक ही डेट लिखी 25 अप्रैल। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2001 टू 25 अप्रैल 2001, ऐसा भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल से ड्यू की तो सबने पैसा देना स्टार्ट किया और सारा अमाउंट हमें 25 अप्रैल तक मिल गया, तो 25 अप्रैल डेट लिख सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो 1 अप्रैल टू 25 अप्रैल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख रुपीज बींग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ओके, उसके बाद में हम 21 मई को, यहां डेट दे रखी है 1 मई 2001, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बींग बोनस शेयर इश्यूड ऑन 4 लाख शेयर्स इन द रेशियो ऑफ, हमने बोनस शेयर इश्यू किए 4 लाख इक्विटी शेयर पर, 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। तो 4 लाख शेयर पर 1:4 का रेशियो, मतलब हमने टोटल 1 लाख बोनस शेयर इशू किए और 1 शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज 1 मई 2001। अब हम इसको राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले सीआरआर को यूज करेंगे 240, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू लैख 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें कैश में दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें दे रखा है 275, 275। रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं हो सकता, फिर हम जनरल रिजर्व का यूज करेंगे 1,60,000, 1,60,000 हम जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। और उसके बाद अभी कुछ और अमाउंट हमें चार्ज करना है, तो वो हम चार्ज करेंगे P&L अकाउंट से, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर 10 लाख रुपीज, 10 लाख माइनस 240, माइनस 275, माइनस 160। P&L से हम चार्ज करेंगे 3,25,000 और हमारे P&L में है कितना, 16 लाख है, तो 16 लाख में से 375 हम बोनस में चार्ज करेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री हम अभी तक करते हैं। अब एक एंट्री हमें और करनी है 1 जून 2001 राइट शेयर की, मगर सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं ये राइट शेयर होते क्या है, व्हाट इज राइट शेयर। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग में 10 लाख शेयर्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं वो 10 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर, टोटल शेयर कैपिटल 1 करोड़, 10 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर, 1 करोड़ की शेयर कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, राइट। अब इस कंपनी को और रिक्वायरमेंट है फंड की, इसको शेयर इश्यू करने,
इसको और नए शेयर इशू कर दें। तो कंपनी लॉ का यह प्रोविजन कहता है कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है, इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है और नए शेयर इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सबसे पहले उनको वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करने पड़ेंगे। मतलब सबसे पहले शेयर खरीदने का जो राइट है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। मान लो इस कंपनी को 4 लाख शेयर और इशू करने हैं, तो सबसे पहले ये कंपनी, ये जो 4 लाख शेयर है, ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी परचेज करने के लिए। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर परचेज कर लेते हैं तो ठीक। अगर मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कुछ शेयर खरीदते हैं बाकी नहीं खरीदते हैं, तो फिर ये जो रिमेनिंग शेयर्स है वो कंपनी पब्लिक में सेल कर सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको नए शेयर खरीदने का राइट है, उनको शेयर फ्री में नहीं मिलते हैं, कंपनी बोनस शेयर कंपनी फ्री में देती है। मगर कंपनी और फंड अरेंज करना चाहती है तो जो नए शेयर इशू है सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो हम सबसे पहले आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप नहीं खरीदते हो तो फिर हम इन शेयर्स को मार्केट में सेल करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको शेयर खरीदने का राइट है, होते तो वो इक्विटी शेयर ही है, मगर उन इक्विटी शेयर्स को हमने क्या नाम दिया है, राइट शेयर। राइट शेयर इज इक्विटी शेयर, राइट शेयर होते इक्विटी शेयर ही है, हम इक्विटी शेयर ही सेल कर रहे हैं मगर हमने उसको नाम दिया है राइट शेयर, राइट। तो 10 लाख अभी शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर हमें और इशू करने हैं, तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देंगे कि आप 4:10 के रेशियो में, मतलब एक तरह से 2:5 के रेशियो में आप शेयर्स खरीद सकते हो। 10 लाख अभी एग्जिस्टिंग शेयर है, 4 लाख शेयर और इशू करने हैं, तो ये रेशियो हो गया 2:5 का। तो अगर आपके पास मान लो 10 शेयर हैं तो आप हमसे 4 शेयर और खरीद सकते हो। अब मान लो इस कंपनी का शेयर होल्डर आप भी हो, आपने भी एक्स लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं और आपके पास एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर हैं, तो कंपनी आपको ऑफर करेगी कि आप 1000 शेयर अगर आपके पास है तो आप हमसे 400 शेयर और खरीद सकते हो। हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप हमसे 400 शेयर और खरीद सकते हो। अगर आप अपना राइट काम में नहीं लेते हो तो फिर ये शेयर हम मार्केट में सेल करेंगे, राइट। तो ये इसका, अच्छा आपने अगर ये शेयर खरीद लिए, 400 शेयर खरीद लिए, तो आपके पास इक्विटी शेयर आ गए और कंपनी ने आपको ये शेयर इशू कर दिए, तो राइट शेयर की जो एंट्रीज होती है वो सेम उसी तरीके से एंट्रीज होती है जैसे कंपनी नए शेयर इशू करने की जो एंट्री करती है वही एंट्री हमें राइट शेयर को इशू करने की करनी है। बस राइट शेयर उसका नाम है वो इक्विटी शेयर ही, हम इक्विटी शेयर ही इशू कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम नए शेयर इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये शेयर आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आप नहीं खरीदते हो तो फिर हम पब्लिक में सेल करेंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है शेयर खरीदने का, राइट। जरूरी नहीं कि वो राइट को यूज करे ही करे, अगर वो राइट को यूज नहीं करता है तो कंपनी उसको मार्केट में सेल कर सकती है, राइट। तो राइट शेयर की एंट्रीज क्या, सेम वही एंट्री जो हम शेयर इशू करने की करते हैं। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर हमें दे रखा है 1 जून 2001 को कंपनी इशूड राइट शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। 5 शेयर पर 2 शेयर खरीदने का राइट है। ये हमने राइट शेयर कब इशू करे, 1 जून को, मगर मतलब इससे पहले हम ऑलरेडी बोनस शेयर इशू कर चुके हैं, हमारे पहले से शेयर्स कितने हैं 4 लाख, हमने कितने बोनस दिए, 1 लाख शेयर्स बोनस में दिए, तो हमारे टोटल शेयर्स कितने हो गए, 5 लाख, हमारे टोटल शेयर्स हो गए 5 लाख। अब हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं 2 शेयर 5 के बदले में, तो अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, राइट शेयर इशू करने से पहले हमारे टोटल शेयर्स हो गए 5 लाख, तो 5 लाख पे हम 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हमारे 5 लाख शेयर होल्डर, 5 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर हैं,
हम उनको राइट दे रहे हैं कि आप 2 लाख शेयर्स और खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। हम फ्री में नहीं दे रहे, ये बोनस शेयर नहीं है, फ्री में नहीं है, पैसे लेंगे। क्या लेंगे हम आपको? ये राइट शेयर 12 रुपए की रेट पर सेल करेंगे। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? 10। हम आपको 12 रुपए पे देंगे, मतलब हम इसको 2 रुपए प्रीमियम पर आपको देंगे अगर आप लेना चाहते हो तो। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सारे राइट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिए, मतलब हमारे राइट शेयर जो भी हमने इशू करने थे वो सेल हो गए। तो राइट शेयर इशू करने की एंट्री वही जो शेयर इशू करने की एंट्री होती है। क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हम राइट शेयर इश्यू कर रहे हैं 12 रुपीज की रेट पर, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 2 रुपए प्रीमियम पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बींग राइट शेयर इश्यूड, राइट शेयर इश्यूड ऑन 5 लाख शेयर्स। 5 लाख शेयर्स कैसे हुए? बैलेंस शीट में तो 4 लाख दे रखे हैं। हमने राइट शेयर इशू करने से पहले बोनस शेयर इशू कर दिए, तो हमारे शेयर 4 लाख थे, 1 लाख शेयर हमने बोनस में दिए, तो वो शेयर्स बढ़ के हो गए 5 लाख। ऑन 5 लाख शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5, क्वेश्चन में दे रखा है 2:5 के रेशियो में हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं और सारे राइट शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिए। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख शेयर्स। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, कैपिटल में लिखेंगे 20 लाख रुपीज, प्रीमियम में 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे 24 लाख। अच्छा, यहां पर नरेशन में हम 2:5 और आगे ये भी लिख देते हैं, एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। हम राइट शेयर जो इश्यू कर रहे हैं वो 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। राइट शेयर में हम अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है, हम अमाउंट चार्ज करते हैं। तो बोनस शेयर होते हैं वो फ्री में होते हैं, राइट शेयर फ्री में नहीं होते, राइट शेयर फ्री में नहीं होते, हम शेयर होल्डर को शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, जनरली ये होता है कि मार्केट में जो रेट होती है, मार्केट में हमारे शेयर की जो रेट है, हम उससे कम रेट पर राइट शेयर इशू करते हैं, तभी तो राइट शेयर जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो परचेज करेंगे। अगर हम मार्केट रेट पर बेचें तब तो शेयर होल्डर है वो मार्केट से शेयर परचेज कर लेगा, हमसे शेयर खरीदने का उसको क्या मतलब फ़ायदा है। तो राइट शेयर तभी सेल होते हैं, मतलब राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तभी परचेज करता है जब मार्केट में शेयर्स की रेट ज़्यादा है और कंपनी उनको कम रेट पर शेयर खरीदने के लिए ऑफर कर रही है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24 लाख, सेम एंट्री जो शेयर इशू करने की होती है। अगर जितने राइट शेयर होल्डर परचेज नहीं करते हैं उतने शेयर कंपनी मार्केट में सेल कर देती है। हाँ, मार्केट में जो सेल करेगी फिर हो सकता है उसकी प्राइस अलग हो, वो जरूरी नहीं कि 12 रुपीज़ पर ही इशू करे, वो हो सकता है ज़्यादा रेट पर इशू करे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना है इसलिए 12 रुपये की रेट है, बट अगर मार्केट में सेल करेगी तो हो सकता है कंपनी ज़्यादा रेट पर ही सेल करेगी, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख, ये तो राइट शेयर इशू करने की एंट्री। अगर जितने शेयर राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परचेज नहीं करते फिर वो क्या रेट पर हम मार्केट में इशू करेंगे, वो रेट हमें दे रखी होती उस रेट पर हम शेयर इशू करने की एंट्री कर देते, एंट्री सेम होती। राइट शेयर इशू करने की एंट्री और नॉर्मल शेयर इशू करने की एंट्री सेम होती है। तो यहां पर 1 जून को हमने एक एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। तो राइट शेयर एक तरह से आप समझ गए कि राइट शेयर क्या होते हैं, नॉर्मल एंट्री जो शेयर इशू करने की होती है वही हमें राइट शेयर को इशू करने की एंट्री करनी होती है, राइट। तो ये हमारा एंड हो गया क्वेश्चन नंबर 9th का सोल्यूशन। केवल और केवल हमें जनरल एंट्रीज करनी थी, बैलेंस शीट का वापस एक्सट्रैक्ट बनाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अभी 25,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, डिसाइड टू इश्यू राइट शेयर एट द रेशियो ऑफ 1 for every 4 शेयर हेल्ड एट पार वैल्यू। 4 के बदले में एक शेयर खरीदने का हम राइट दे रहे हैं। अभी कितने शेयर है? 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 6,250 राइट शेयर हम इश्यू करेंगे। एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट इश्यूड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, केवल एक एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, पार पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है, एक एंट्री करनी है केवल, डेट भी नहीं है, तो यहाँ पर हम एंट्री लिख देते हैं, जर्नल एंट्री। अच्छा, वैसा भी कर सकते हैं इसमें कि पहले एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी किया जा सकता है, बट जनरली हम एक एंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब पूरा अमाउंट एक साथ ही है, अलग अलग डिवाइड नहीं है, तो हम एक एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,250 मल्टीप्लाई बाय 10, 62,500 बीइंग राइट शेयर इश्यूड एट पार ऑन 25,000 शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। फिटनेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड by making right issue of equity share to part finance its expansion. तो ये फिर क्वेश्चन राइट शेयर का ही है। The existing equity share capital of the company is ₹40 lakh. यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ₹10 each. 40 lakh रुपीज़ के शेयर हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 40 lakh रुपीज़ के शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू 10, इट मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 4 लाख। अभी हमारे पास 4 लाख शेयर हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए है और मार्केट में एक शेयर की जो प्राइस है वो 45 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपीज है बट मार्केट प्राइस इज ₹45 पर शेयर। कितने शेयर हैं एग्जिस्टिंग? हमारे पास 4 लाख शेयर है। द कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाय 2 शेयर एट ₹12 each फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हमने शेयर होल्डर को राइट शेयर ऑफर किए 2 शेयर फॉर एवरी 5, मतलब 2:5 के रेशियो में, तो अभी 4 लाख शेयर है, 4 लाख into 2 divided by 5, 1,60,000 राइट शेयर ऑफर किए और राइट शेयर हमने ऑफर किए 12 रुपए की रेट पर, जबकि अभी मार्केट में कीमत कितनी है? 45 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट में कीमत 45 है और हमने राइट शेयर ऑफर किए हैं 12 रुपए की रेट पर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थियोरिटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर इश्यू करने के बाद में मार्केट में एक शेयर की थियोरिटिकल मार्केट प्राइस क्या होगी? देखो, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, राइट शेयर इश्यू करती है, तो राइट शेयर इश्यू करने के बाद उसकी जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो जनरली डाउन हो जाती है। राइट शेयर इश्यू करें क्योंकि हम कम रेट पर शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, मगर जो शेयर हम इश्यू कर रहे हैं वो करंट मार्केट प्राइस पर नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर, ओवरऑल जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो डाउन हो जाती है। वो कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए पॉइंट, थियोरिटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर। सबसे पहले तो हम लिखते हैं अभी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स 4 लाख है,
एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर ₹45। अब राइट शेयर कितने हैं? राइट शेयर्स 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। हम 1,60,000 राइट शेयर इश्यू कर रहे हैं, राइट 1,60,000। और इश्यू प्राइस ऑफ राइट शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर को हम इश्यू कर रहे हैं 12 रुपए की रेट पर। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर, आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर्स इक्वल्स टू, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस पर राइट शेयर डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। देखिए समझना बहुत इजी है वैसे तो। अभी हमारे टोटल शेयर्स हैं 4 लाख और एक शेयर की मार्केट में कीमत है ₹45, तो 4 लाख शेयर, एक शेयर मार्केट में ₹45 का है, मतलब सारे शेयर की टोटल मार्केट वैल्यू 1,80,00,000 है। अब हम क्या करेंगे, हम राइट शेयर इशू करें तो राइट शेयर इशू करने से हमारे पास पैसा आएगा, कितना अमाउंट आएगा, मतलब हमारी एसेट बढ़ेगी। हमारी एसेट कितने से बढ़ेगी, हम 1,60,000 शेयर इशू कर रहे हैं और हम उसको इशू कर रहे हैं 12 रुपए की रेट पर, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 12 19,20,000 हमें मिलेगा। हमारी एसेट 19,20,000 से बढ़ेगी और हमारे पहले से शेयर्स 4 लाख और 1,60,000 राइट शेयर, तो टोटल शेयर्स हो जाएंगे 5,60,000। तो जो एसेट बढ़ी और हमारी जो पहले से मार्केट वैल्यू थी प्लस जो एसेट बढ़ी डिवाइडेड बाय हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 5,60,000, तो 1,80,00,000 तो अभी हमारी मार्केट वैल्यू शेयर्स है और हमारी एसेट्स 19,20,000 से इंक्रीज हो रही है डिवाइडेड बाय अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 5,60,000। तो एक शेयर की मार्केट में कीमत, मार्केट प्राइस आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर 1,80,00,000 प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 5,60,000 इक्वल्स टू ₹35.57। ये होनी चाहिए, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, मगर जनरली ऐसा होना चाहिए या इसके आसपास अमाउंट होगा। तो हमारी शेयर की मार्केट प्राइस होगी 35.57 अप्रॉक्स, राइट। तो ये तो हमारा ए पॉइंट का आंसर हो गया, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट। द वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर इश्यू ऑफ राइट शेयर माइनस मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर
राइट शेयर इशू करने से पहले हमारी एक शेयर की मार्केट प्राइस 45 थी और आफ्टर राइट शेयर इट इज 35.57। 45 माइनस 35.57 इक्वल्स टू रुपीज 9.43। इट इज वैल्यू ऑफ राइट। ये वैल्यू ऑफ राइट कहाँ काम आती है? बहुत बार ऐसा होता है, ये जो राइट शेयर होते हैं ना, ये राइट शेयर जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परचेज ही करे, वो अपने राइट को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास में 1000 शेयर हैं, हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि मान लो कंपनी ने 2:5 के रेशियो में राइट शेयर दिया है, आपके पास एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर हैं, तो आपको 400 शेयर खरीदने का राइट मिलेगा। मतलब आपको 400 शेयर खरीद सकते हो, मगर जरूरी नहीं कि आप खुद खरीदो, आप अपने 400 शेयर को खरीदने का राइट किसी और को भी दे सकते हो। मतलब आप अपने राइट को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या रेट पर ट्रांसफर करेंगे? किसी को फ्री में तो राइट देंगे नहीं, हमारे शेयर खरीदने का राइट हम किसी और को फ्री में क्यों देंगे? तो हम उससे क्या चार्ज कर सकते हैं? तो हमने वो वैल्यू निकाली कि इट इज वैल्यू ऑफ राइट, मतलब राइट शेयर के बाद में शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, हमारे पास जो शेयर्स थे पहले से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम उसके लिए जब राइट ट्रांसफर करते हैं, या तो हम राइट खुद खरीदें और नहीं तो हम राइट अगर किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम उससे इतना चार्ज कर सकते हैं। तो एक राइट शेयर को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो हमें क्या दे सकता है, हमने उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट की है। वैसे अपने तो ये कुछ काम का नहीं, अपने तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करो, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करो। हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से हमें तो केवल ये 2-3 कैलकुलेशन करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी एग्ज़ाम के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में ये मार्केट, ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर और ये वैल्यू ऑफ राइट, इसको कैलकुलेट करने का जनरली क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, कोर्स में है बट जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, हो सकता है आपके अटेम्प्ट आ जाए बट चांसेज बहुत नेग्लिजिबल है। तो वैल्यू ऑफ राइट को हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर इश्यू ऑफ राइट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। अभी एग्जिस्टिंग में शेयर्स कितने, अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग में शेयर्स हैं, अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग में शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय अभी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, राइट शेयर और राइट शेयर की इश्यू प्राइस, और नीचे आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का। अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं प्लस राइट शेयर कितने, बहुत ईजी है। और वैल्यू ऑफ राइट निकालना, राइट शेयर से पहले की मार्केट प्राइस माइनस राइट शेयर के बाद की मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, हमारी शेयर कैपिटल कितने परसेंट इंक्रीज हो गई। तो हमारे पहले शेयर्स कितने थे, हमारे पहले शेयर्स थे 4 लाख, राइट इश्यू करने के बाद 5,60,000 हो गए, तो कितने इंक्रीज हो गए, 1,60,000 इंक्रीज हो गए, 1,60,000, और अभी कितने, 4 लाख, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी शेयर कैपिटल 40% इंक्रीज हो जाएगी। हमें यही बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, अभी 4 लाख शेयर, बाद में 5,60,000 शेयर, 1,60,000 शेयर्स इंक्रीज हो गए डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी शेयर कैपिटल 40% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर बोनस शेयर, राइट शेयर। बोनस शेयर के बारे में मेन जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, वो बोनस शेयर के आने के चांसेस रहते हैं। राइट शेयर ये जो हमने लास्ट में सबसे किया है, वैल्यू ऑफ राइट निकालना, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट शेयर, इसके आने के चांसेज बहुत कम है। अच्छा, और राइट शेयर इशू की तो एंट्री बहुत ईजी होती है, जो शेयर इशू करने की एंट्री होती है वही राइट शेयर इशू करने की एंट्री होती है, राइट। तो बोनस शेयर क्या क्या पढ़ा हमने, बोनस शेयर इशू करने की एंट्री, बोनस शेयर को चार्ज करने की एंट्री, बोनस शेयर कहाँ से चार्ज होता है, CRR से, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कैश में है तो, कैपिटल रिजर्व अगर कैश में है तो, और फिर फ्री रिजर्व जिसमें जनरल रिजर्व, P&L या फिर और कोई फ्री रिजर्व हमें दे रखा है तो वहां से हम बोनस टू शेयर होल्डर को चार्ज करते हैं, ठीक है। पहले शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, अगर पार्टली पेड अप है तो कॉल ड्यू करेंगे, कॉल को रिसीव करेंगे और उसके बाद ही हम बोनस शेयर को इश्यू कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें वो पॉइंट आया नहीं, वो पॉइंट भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे शेयर पार्टली पेड अप होता है, जैसे शेयर पार्टली पेड अप होता है, राइट, तो हम उसको फुली पेड अप करते हैं बोनस शेयर के लिए। अब पार्टली पेड अप शेयर है, उसको फुली पेड अप करना है तो कैसे करेंगे? कॉल को ड्यू करेंगे, कॉल को रिसीव करेंगे। मगर बहुत बार कंपनी ऐसा कर सकती है कि फाइनल कॉल ड्यू किया, मगर फाइनल कॉल को हमने शेयर होल्डर से मंगाया ही नहीं, हमने फाइनल कॉल को रिसीव करने की जगह फाइनल कॉल का अमाउंट बोनस में दे दिया। मतलब हम बोनस दो तरीके से दे सकते हैं, फुली पेड जो शेयर है उनको बोनस दिया, और एक हम पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू बोनस शेयर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर, 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ ईच, ₹10 और पेड अप है ₹8, 8 रुपीज़ पेड अप है, राइट, ₹8 पेड अप, मतलब ये तो हो गया उसकी वैल्यू, 10 रुपीज़ ईच और 8 रुपीज़ पेड अप है, मतलब 2 रुपए की कॉल ड्यू है। तो हम जनरली क्या करते हैं, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर, 2 रुपीज की कॉल, ये हो गए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब हम क्या करते हैं, कॉल को रिसीव करते हैं, मगर कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, कॉल मंगाने की जरूरत नहीं, पार्टली पेडअप को फुली पेडअप में कंपनी खुद भी कन्वर्ट कर सकती है थ्रू बोनस शेयर। फिर पता है एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या किया हमने, हमने बोनस जो वो जो फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल अकाउंट, वो जो फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल अकाउंट, उसको हमने शेयर होल्डर से मंगाई ही नहीं, हमने 2 लाख रुपए की जो कॉल थी उसको बोनस के थ्रू शेयर को पार्टली पेडअप जो शेयर थे उसको फुली पेडअप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहां जो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे उसकी जगह हमने क्या डेबिट कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर इस बोनस टू शेयर होल्डर को हमें रिजर्व एंड सरप्लस से क्या करना है, चार्ज करना है, सेम वही। मतलब बोनस हम दो तरीके से दे सकते हैं, फुली पेड जो शेयर होल्डर है उनको हम बोनस दे सकते हैं, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, पार्टली पेडअप शेयर को बोनस के थ्रू हम फुली पेडअप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइनल कॉल ड्यू की और बैंक अकाउंट की जगह हमने क्या लिख दिया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर इस बोनस टू शेयर होल्डर को हमने रिजर्व एंड सरप्लस से चार्ज कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं था, बट ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो मॉड्यूल्स है उसमें जो भी है उसको हम डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।